नंबर वन सप्तमी के रूप में खड़ा है। मैं आता सा ट्रेलर बघितलाय, यामध्ये मला खूप काही शिकायला मिळालं होतं ट्रेलर मध्ये। टीजर बहुत अच्छा था, ट्रेलर खूप चांगला आहे। अच्छा था, काफी अच्छा लगा। ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। तर त्यांनी एक ट्रक घेऊन चालू करते विजयानंद ट्रान्सपोर्ट, तेव्हापासून त्यांची लाइफ स्ट्रगल करायला चालू करते। ऐसे फिल्म जरूर आने चाहिए, इससे यंग जनरेशन को ऑब्वियसली इंस्पिरेशन मिलती है। मूवी मध्ये शिकायला भरपूर काय आहे, यूथ ला जनरेशन ला इंस्पिरेशन करणारी मूवी आहे। जो अपना जो वर्क है उसे जो हार्टी काम किया उसने का जो बताया गया है कि जो वो आनंद जो उनके बेटे थे उन्होंने जो उनके पिताजी से हट के थोड़ा उन्होंने ऑफसेट पेंटिंग प्रेस छोड़ने वाले हैं। पेंटिंग प्रेस की बात आई थी तो उन्होंने पेंटिंग प्रेस छोड़ के अपना एक काम स्टार्ट किया। विजय आनंद थे, उन्होंने अपना खुद का एक सेंस वर्क स्टार्ट किया, बट बहुत से लोग उसके अगेंस्ट थे। उनकी जो मतलब जो वर्क उनने स्टार्ट किया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बट उनने उन सभी को फेस करके अपना एक एम्पायर खड़ा किया। इट वाज अ वेरी नाइस लेजर एंड वन डे वी विल गेट अ सक्सेस। बहुत अच्छा है, इसमें कामयाबी का रास्ता दिया है हमें। कभी भी अपने दिल का हार मत माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। दुनिया का काम नहीं होता है कहने का, और खासकर लड़के के लिए। इन्होंने अपनी चार हजार यानी कि बसें और गाड़ियाँ ट्रक वगैरह इतनी सारी ये ट्रक से अपने को भी खुद की जमीनों से इन्होंने कर लिया। ये दुनिया को मैसेज देने का तरीका है, तो इनसे सीखिए। आपने हमने उनकी मूवी तो देख ली, हम उनसे बात ये करेंगे कि आपके आपने ऐसा क्या सोचा कि आपने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा लिया, क्या क्या आपके दिमाग में आइडियाज आए, किस स्ट्रेटजी आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी जो आप अपने बिजनेस को इतने आगे ले गए। सर बहुत अच्छा लगा, इससे हमें देखने में पता चला कि मेहनत जिंदगी में कभी भी मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा एक उम्मीद के साथ काम करना चाहिए। ये विजय संकेश्वर जी के ऊपर बनी फिल्म है जिन्होंने करके दिखाया कि जिंदगी में कभी भी मेहनत से मुकरना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कभी भी किसी इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उसके आने वाला वक्त कभी बदल सकता है।